नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ट्रीटमेंट विद होम्योपैथी में। दोस्तों, आप में से अगर किसी को गुर्दे में पथरी की समस्या है, रीनल कैलकुलाई की आपको समस्या है, किडनी स्टोन की आपको समस्या है, आपने डॉक्टर को दिखाया हो, डॉक्टर ने ऑपरेशन की सलाह दे दी हो, तो गुर्दे की पथरी को निकलवाने के लिए अगर आप ऑपरेशन का विचार बना रहे हैं तो आज की जो वीडियो है आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाली है, काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि आज एक ऐसी मेडिसिन हम आपके लिए लेकर आए हैं जिसके इस्तेमाल से आप गुर्दे की पथरी को बिना ऑपरेशन के ही पथरी को पेशाब के रास्ते बाहर निकाल सकते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं होम्योपैथिक मेडिसिन कैलकुलिना के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे इसके क्या क्या यूज़ होते हैं, किन किन कंडीशन में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, कितनी इस पर MRP आ, इस मेडिसिन से जुड़ी हर जानकारी के बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों, जुड़े रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। बताना चाहूँगा, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि चैनल से जुड़ी हर नोटिफिकेशन पहुँचे आप तक सबसे पहले। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। दोस्तों, जो कैलकुलिना मेडिसिन होती है देखने में कुछ इस प्रकार की होती है। अगर बात करें इसके साइज़ के बारे में तो 30 ml के साइज़ में मार्केट में मिल जाती है। और दोस्तों, जो इस पर MRP आती है वो 140 रुपये आती है। और जो इसको बनाने वाली कंपनी है तो होम्योपैथी में कंपनी आती है न्यू लाइफ, जिसके द्वारा इसको तैयार किया जाता है, जिसके द्वारा इसको बनाया जाता है। दोस्तों, बात करते हैं इसके यूजेस के बारे में, किन किन कंडीशन में आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसका जो मेन यूज़ होता है वो किडनी स्टोन के लिए होता है, रीनल कैलकुलाई के लिए होता है, रीनल स्टोन के लिए होता है, गुर्दे की पथरी के लिए होता है। अगर आप में से किसी को किडनी स्टोन की समस्या हो गई है, आपके गुर्दे में पथरी की समस्या हो गई है, तो उसको बाहर निकालने के लिए आप होम्योपैथिक मेडिसिन कैलकुलिना का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, अगर बात करें इसके अगले यूजेस के बारे में तो दोस्तों, अगर किसी को वर्निंग इन यूरिन की समस्या हो रही है, अगर किसी को पेशाब करते समय पेशाब के रास्ते जलन हो रही है, जो जलन का कारण है वह किडनी स्टोन है, गुर्दे की पथरी की वजह से आपके पेशाब में जलन हो रही है, या बिना किसी कारण के ही आपके पेशाब में जलन हो रही है, या आपको UTI की समस्या हो गई है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन आपको हो गया है, उसके वजह से आपके पेशाब में जलन हो रही है, तो उसको ठीक करने का काम ये मेडिसिन करती है। दोस्तों, इसका अगला यूज होता है ब्लड इन यूरिन। दोस्तों, गुर्दे की पथरी की वजह से अगर आपके पेशाब के रास्ते ब्लड आ रहा है, पथरी ने कोई गुर्दे में घाव कर दिया हो जिसकी वजह से ब्लड आ रहा है, आपको हेमेचूरिया की शिकायत हो गई है, तो उसको भी इस होम्योपैथिक मेडिसिन की सहायता से ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, इसका अगला यूज होता है पेन इन यूरिन। दोस्तों, पेशाब करते समय पेशाब के रास्ते पर दर्द है, या जो दर्द है वह पथरी की वजह से आपके पेट में हो रहा है, तो उसको भी ठीक करने का काम ये मेडिसिन करती है। दोस्तों, बात करते हैं इसके कंपोजिशन के बारे में, कौन कौन सी मेडिसिन से मिलकर ये मेडिसिन बनी होती है। तो दोस्तों, इसमें बहुत सारी मेडिसिन है जिनकी सहायता से मिलकर इसको बनाया गया है, जिसमें पहली होती है परविस बल्गरिस, उससे अगली कैंथ्रिस होती है, एसिड ऑक्सैलिकम होती है, ओसिमम कैन होती है, कल्केरिया रेनेलिस होती है, सालसाप्रिल्ला होती है, पेरियारा ब्रावा होती है, डाइस्कोरिया होती है, हाइड्रेंजिया होती है, एपीजिया होती है। तो बहुत सारी मेडिसिन है जिनकी सहायता से मिलकर इसको बनाया गया है। होम्योपैथी में किडनी स्टोन के लिए जितनी भी मेडिसिन आती है तो किसी में भी आपको इस प्रकार की दवाइयां देखने को नहीं मिलेंगी जो दवाइयां इस मेडिसिन में है। तो काफ़ी अच्छी अच्छी मेडिसिन है जिनकी सहायता से मिलकर इस मेडिसिन को बनाया गया है। दोस्तों, बात करते हैं इसकी डोज के बारे में, किस प्रकार आप इस होम्योपैथिक मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, जो इसकी डोज है वो 20-20 ड्रॉप सुबह दोपहर शाम आधे का पानी में डालकर दिन में 3 बार ले सकते हैं। अगर बात करें इसके साइड इफेक्ट के बारे में तो इस मेडिसिन का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है, और जो इस पर एक्सपायरी डेट आती है वो 5 साल की आती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना।